क्या आपने कभी कोई ऐसी चलती हुई कार देखी है जो बर्फ से बनी हुई हो, और ये समुद्र के नीचे ऐसे अजीब से डिजाइन कैसे बने? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स, अमेजिंग किस्से, कहानियों को जानोगे कि आप बोलोगे स्टूपेंडस। फैक्ट नंबर 15, ये बात तो आप सबने जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। कभी भी जब आप अपने सपने देखते हो, सपने में आप जब मर जाते हो, तो आप सबका नींद जरूर एकदम से जरूर खुल जाता होगा, आप जग जाते होगे। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन मरने के बाद क्या होता है इस बात को नहीं जानता, इसलिए आप एकदम से उठ जाते हो। फैक्ट नंबर 14, ये जो आप ट्री अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या ये जो ट्री होता है, ये ट्री अपने बहुत छोटे होने के साइज के बावजूद भी ये एप्पल्स दे देता है। फैक्ट नंबर 13, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है आपको पता है? तो मैं बता दूँ, कस्टमर लॉयल्टी ये होती है, जैसे मान लो कभी आपने नोकिया का फ़ोन लिया, तो आप फिर से जब वो फ़ोन ख़राब हो जाता है, फिर से आप फ़ोन लेने जाते हो, तो आप फिर नोकिया का फ़ोन लेते हो, और ऐसे ही बार बार। तो इसको बोलते हैं हम कस्टमर लॉयल्टी। तो फैक्ट ये है ना कि जो मतलब कस्टमर लॉयल्टी जो होती है वो सबसे कम नोकिया में होती है, और सबसे ज़्यादा एप्पल और वन प्लस में कस्टमर लॉयल्टी सबसे ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 12, क्या वो पता है हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट एनिमल कौन सा है? तो इसका आंसर है, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट एनिमल है मॉस्किटो। हर साल मॉस्किटो के कारण 1 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल मर जाते हैं, इसलिए मॉस्किटोज आर द मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉस्किटोज अपने डिजीज़ कैरी करते हैं, इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट एनिमल होते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी अपनी वो पीरियोडिक टेबल देखी है जो आपके साइंस के बुक में है? तो ये इसमें जो एलमोनियम, पोटेशियम और ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स, तो बड़े कॉमन एलिमेंट है, लेकिन क्या आपने कभी थोरियम एलिमेंट को देखा है? थोरियम सुनने से ऐसा लगता है कि थोरियम और इसमें से अगर ईम हटा दे थोर सुनने से हमें वो मार्वल वाला कैरेक्टर याद आता है थोर। तो क्या वो पता है कि जो थोरियम इस एलिमेंट का नाम है, इस एलिमेंट के नाम से ही थोर बेस्ड है। यस, और क्या आपको पता है कि जर्मन मिथोलॉजी में जो थॉर है वो रियल गॉड ऑफ थंडर है, और इसी से इंस्पायर्ड है थॉर एंड थोरियम। फैक्ट नंबर 10, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेड और ग्रीन के मिक्स होने से येलो बनता है इन पिक्सल्स में, RGB रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स में, जब रेड और ग्रीन या रेड और ग्रीन मिक्स होता है तो वो येलो बनता है। और उसी तरीके से अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो वो पिंक बनता है, और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वो सियान, जो कुछ इस तरीके का एक्वा कलर होता है। तो मतलब अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो वो पिंक बनता है, RGB इन योर मोबाइल, इन योर पिक्सल्स, जो स्क्रीन में आप देखते हो वो पिंक, रियल पिंक नहीं होता है, वो मतलब जो एक तरीके से रेड और ग्रीन का मिक्सचर होता है। जो आप अपने आसपास देखते हो वो तो पिंक होता है, लेकिन जो आप अपने स्क्रीन पे पिंक देखते हो वो पिंक नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं उनमें से सिर्फ आउली एक ऐसा बर्ड है जो ब्लू कलर को देख सकता है, मतलब कोई भी बर्ड आउल के सिवाय ब्लू कलर को नहीं देख सकती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी कोई ऐसी चलती हुई कार देखी है जो आइस से बनी हुई हो? यस, दो फ्रेंड्स थे, उन दोनों फ्रेंड्स ने एक ऐसी कार बनाई जो एक आइस से बनी हुई है। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक कार लिया, आयरन की कार ली, और उसके ऊपर उन्होंने बर्फ को कवर कर दिया, और फिर वो दोनों उस कार को कभी इधर लेके जाते, कभी उधर लेके जाते, और जिसके कारण ये कार वायरल हो गया। तो अब एक बात बताओ कि इस कार में तो कोई खूबी थी वायरल होने वाले में, एक बात बताओ कि विनोद में क्या खूबी है वायरल होने वाली? फैक्ट नंबर 7, क्या हुआ कि एक बार जापान के कोस्ट पे एक बार नीचे जाके देखा गया कि कुछ इस टाइप के डिज़ाइन बनने लग गए, तो फिर क्या हुआ कि जो मतलब ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया, और तभी मीडिया ने, न्यूज़ ने इसको मतलब कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स वगैरह ने इसको कहा कि एलियंस आ गए। क्या लॉजिक है ना, मतलब कि एलियंस आए,
और मतलब हमसे बात किए बिना वो खाली आए समुद्र में ऐसे डिजाइन बनाए और वो चले गए। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है ना। तो मैं बता दूं कि ये जो ऐसे डिजाइन है, ये डिजाइन एक फिश के द्वारा बनाया जाता है, फिश का नाम है पफर फिश। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि मौसिनराम जो एक ये जगह है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी ये जगह है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है, और यहाँ पे 11,800 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है पर ईयर। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ये जो आप ब्रिज अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो ब्रिज है इसका हाइट 1200 फीट से भी ज़्यादा है, और ये ब्रिज जम्मू में है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब जो सबसे लंबे ब्रिज, रेलवे ब्रिज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब स्विट्ज़रलैंड में गए थे 26 मई 2006 में, तो स्विट्ज़रलैंड उस डे को यानी 26 मई को अब हर साल स्विट्ज़रलैंड साइंस डे मनाती है, क्योंकि इस खुशी में, क्योंकि वहाँ पे उस दिन अब्दुल कलाम गए थे इसलिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इस वर्ल्ड का 10% फोटो, मतलब हमारे अब तक हमने जितने भी फोटो खींचे हैं उसका 10% फोटो अभी हमारे पास्ट 1 ईयर में ही खिंचाया है, मतलब एक हमारे जो पिछले एक साल में जितने भी फोटो खिंचाए हैं ना, वो अब तक के सारे फोटोज का 10% है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जो लॉबस्टर्स होते हैं ये टेस्ट करते हैं अपने फीट से, मतलब ये अपने पैर से टेस्ट करते हैं, कैसे करते होंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है जो YKK जो एक तरीके से जिप की बहुत बड़ी कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है YKK का, तो YKK का फुल फॉर्म है योशिदा कोगियो काबुशी काय कायशा। और क्या आपको पता है कि जो YKK कंपनी है ये वर्ल्ड की 90% जिप यही प्रोड्यूस करती है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी खराब लगा होगा तो मुझसे बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है दुनिया से बताना, मतलब शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।